नीतीश कुमार का जो है, देखिए नीतीश कुमार के पार्टी में कोई परिवारवाद नहीं है। नीतीश कुमार का पार्टी जो, उनका सोच बहुत निष्पक्ष है। जो एनडीए का, देखिए जिससे हमारा केंद्र सरकार में नरेंद्र मोदी जी का सरकार है, वो एक इंडिविजुअल एनडीए में भाजपा में नहीं है कि नरेंद्र मोदी ही अगला प्रधानमंत्री होंगे, अमित शाह ही अध्यक्ष उसका होंगे, ये एक नहीं है। ये चीज परिवारवाद मत देखिए, जो कह रहे हैं अदर आप स्टेट से रिलेट करें बिहार को, तो मुझे नहीं लगता कि सरकारी क्षेत्र में बिहार सरकार का जो वैकेंसी है कम आ रहा है। मंत्री थे लालू प्रसाद यादव, तब का आपका भूमि को लेकर जो तेजस्वी का नाम था उसमें, तो आप एक्सप्लेन कर दीजिए जनता को। लेकिन हम कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के पार्टी में आज भी जो विधायक है उनको भी अपराध है, तो नीतीश कुमार यहाँ जो गलत है, जो 5 साल की सरकार थी उसको रन करना चाहिए था राजद के साथ में, वो कह रहा है। तो देखिए जो न्याय का साथ विकास है कि माने जीरो टॉलरेंस नीति का मतलब इनका ये है कि 100 आदमी गलत करता है तो उसको सजा हम तो देंगे ही, लेकिन एक निर्दोष जो है, अगर निर्दोष माने कोई अच्छा व्यक्ति जिसको फंसाया जा रहा है तो उसको फंसाते भी नहीं है। मैंने सिर्फ 6 फार्म भरा हुआ है, फॉरेस्टर का भरा हुआ, बिहार फॉरेस्ट गार्ड का भी भरा हुआ, भले मैं बीटेक का विद्यार्थी हूँ तो क्या हुआ, लेक्चर का भरा हुआ है, शिक्षक एसटीटी में दिया, कंप्यूटर साइंस से हमने दिया, ये 4 हो गया, दरोगा का फार्म भरा हुआ है, सीटीसी बीपीएससी का फार्म भरा हुआ है, मैंने कहे उनका अपना एक इनकम भी है। और जो केंद्र में सरकार बनती है उसमें भी कहीं ना कहीं बिहार का उदासीनता दिखता है हम लोग बिहार के प्रति। उत्तम पीड़ा चौधरी एक नया नाम आ रहा है। आपका अपना आशा एक भारत को सब्सक्राइब करिए भैया, और साथ ही साथ बेल बटन दबाना ना भूले, क्योंकि बेल बटन दबाइएगा तभी तो खबर फटाफट पाइएगा। बिहार विधानसभा चुनाव किस तरीके से नजदीक आ गया है, पटना में ज्यादा काफी मच चुकी है, और ये रास्ता जो है वो पटना की ओर जा रहा है और हम भी पटना की ओर निकल चुके हैं। आशा एक भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं रैना सिंह, शाहबाद का डिजिटल नंबर 1 चैनल आशा एक भारत की टीम आज पटना निकल गई है और पटना से दिखाएगी मिजाज मूड क्या है बिहार विधानसभा चुनाव का। देखिए हम लोग गांधी मैदान में आ गए हैं, और चलिए बात करते हैं यहाँ पे कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा और किस कौन है पसंद यहाँ के युवाओं को। बात करते हैं, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है श्याम कुमार रजक। कहाँ से आप? हम सिवान में मरवा है, और वहाँ एक ग्राम पंचायत सिमरा है, और ग्राम पंचायत सिमरा के मुखिया मेरे पिताजी ही भी हैं। सिवान से हैं, साहबुद्दीन का सिवान कहा जाता है, बहुत सारी बातें वहाँ से निकलती है। देखिए राजेंद्र प्रसाद का भी है ना? अगर आप सिवान को याद कीजिएगा तो उसके लिए जीरादेई से भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, आप उनके लिहाज से उनको याद करिए। मोहम्मद साहबुद्दीन साहब जो थे वो भी एक अच्छा सांसद थे, लेकिन उनके बारे में कहा जाता है कि कुछ उनका जो गलतियां थी कुछ ले करके, लेकिन जब वो सांसद हुआ करते थे तो वहाँ पे जो डॉक्टर का फीस था वो कम था पहले साहबुद्दीन जब थे। हाँ, दूसरी बात थी कि रोड जो आज भी जो बनवाए हुए हैं सिवान में वो बहुत अच्छा रोड है आज भी, और अच्छा वो रोड टूट गया है आज के डेट में, और अभी वहाँ के जो सांसद हैं वो जरूर के हैं कविता सिंह जी, इस बार जीती हैं और उसको डिफेंडिंग करती हैं उनकी पत्नी जो हिना साहेब, वो साहबुद्दीन की पत्नी, साहबुद्दीन साहब की पत्नी हैं। तो अगर आप सिवान को याद करिएगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से याद करिए, वहाँ पे जो थे एक देश के प्रथम राष्ट्रपति हैं। और जहाँ तक देखिए विधानसभा चुनाव की बात है तो लालू प्रसाद भी जो हैं, तो अगर कहा जाएगा कि एक संघर्षशील नेता हैं, और जब वो नेता हुआ करते जब 1990 से 2005 का सेशन देखिए राजद का, तो कहा जैसे लोग कहता है कि जंगल राज था, विपक्ष भी कहती है, लेकिन एक तरह से आप देखिए तो उसमें अगर कहा जाएगा तो दलितों का उत्थान भी था, उन्होंने दलितों का उत्थान भी किया। तो हम ये नहीं कहते हैं कि लालू प्रसाद एक खराब नेता थे, वो भी एक अच्छा नेता हैं, लेकिन अगर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम लोग देखें तो जो नीतीश कुमार जो काम कर रहे हैं 2005 से 2006 में एनडीए की सरकार उनकी बनी, जो मुख्यमंत्री बने बिहार के, तो उन्होंने कहीं उस सेशन से बहुत अच्छा काम किया है नीतीश कुमार ने। 2005 और 10 का बात करें तो 2005 से 10 का बोलते हैं कि विकास बहुत कुछ हुआ, रोड बना, रोड मैप तैयार हुआ, बिहार का चारों तरफ से रोडों से और ब्रिज से ये कर दिया गया। तो और अभी का जो बिहार है 10 और 20 का, इसमें विकास की जो गति थी वो धीरे हो गई, ये विपक्ष आरोप लगा था, कितने सहमत हैं आप? नहीं देखिए, सहमति का बात है कि जो आप बजट देखिएगा ना 2005 से पहले का और जो वर्तमान का बजट देखिएगा तो बहुत अंतर है बजट में। अभी जो आपका बजट है 2021 का,
उस बजट को भी देख लीजिए तो वो बहुत शिक्षा का बजट, शिक्षा की सबसे ज्यादा 10 गुना ज्यादा हो गया। हाँ नहीं, सब में ज्यादा हो गया है। हालांकि देखिए, सबसे बड़ी बात है, बिहार के बारे में कहा जाता है कि देश स्तर पर की बीमारू राज्य है, ये कहा जाता है। देखिए, हमारा जो बिहार है लैंडलॉक्ड है, कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा हमारा लगता है सिर्फ नेपाल से, पहली बात है। दूसरी चीज़ है कि कोई नदी नहीं है इसके चार, ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था है वो हो, जैसे इनकम, जैसे कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, गोवा है, ये सारे राज्य हैं, उनका अपना एक इनकम भी है। और जो केंद्र में सरकार बनती है उसने भी कहीं ना कहीं बिहार का उदासीनता दिखता है हम लोग के बिहार के प्रति। पीटर चौधरी एक नया नाम आ रहा है, कैसे लग रही है? देखिए, वो जिनके बारे में आप नाम कह रहे हैं, हम तो अभी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे हैं, न्यूज़पेपर अभी हम रखे हुए हैं। अभी हमारा जैसे कि स्टेट का एग्जाम था, तो हम बीपीएससी के विद्यार्थी भी हैं। अच्छा, बीपीएससी के विद्यार्थी? हाँ, हम बेसिकली बीपीएससी के विद्यार्थी, हम बीटेक किए हैं गवर्नमेंट ऑफ बिहार। कहाँ से? LMJPIT छपरा से बीटेक हैं। और हम कौन सा ब्रांच था? हमारा कंप्यूटर साइंस ब्रांच था, 2014-18 था। अभी 2014-18 जी, अभी हम MSc कर रहे हैं नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी से, इन्वायरमेंटल साइंस। क्या से? इन्वायरमेंटल साइंस। क्या कर रहे हैं? MSc चले गए। कारण ये था कि देखिए, NOU से कर रहे हैं, नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी, डिस्टेंस लर्निंग है। कारण क्या है कि हमको बीपीएससी में काम करना होता है ज्यादा, तो हमने 64th बीपीएससी का पीटी निकाला, मेंस भी निकाला, मेंस हमने दिया है, इस बार जो रिजल्ट है उसमें के बाद मेंस निकाला। हाँ, नहीं, मेंस का रिजल्ट नहीं आया। अच्छा। और जो 65वीं पीटी दिया उसमें 3 नंबर से मेरा नहीं हुआ। अभी 66 का जो आया वैकेंसी। अच्छा, एक सवाल मेरा है, अभी यही पे मैं आपको रुकूंगा। आप बीटेक किए हैं, टेक्निकल फील्ड है आपका, मैं भी बीटेक किया हुआ हूँ, मेरा भी सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच था, NIT अरुणाचल प्रदेश, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अरुणाचल प्रदेश से था। अच्छा, ये नहीं लगता है आपको कि बीटेक वाले जो लड़के हैं वो कहीं ना कहीं किसी और क्षेत्र में जा रहे हैं, इसकी कमी क्या है? मतलब जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, या जिस तरीके से फैक्ट्रियां होनी चाहिए, या जिस तरीके से लोग जो इंजीनियर हैं उनको जिस तरीके से अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, वो अभी कम है बिहार में तो खासकर। देखिए, जहाँ तक आप जॉब की बात कर रहे हैं, तो हम टेक्निकल की जो बात की बीटेक का, तो देखिए आज के डेट में कहा रहा कि इंजीनियर बहुत ज़्यादा देश में हो गए हैं ना। आप एक बात देख लीजिए कि जो कंपनी को जो स्किल चाहिए, टैलेंट चाहिए, वो कहीं ना कहीं युवाओं में कमी भी है उस टैलेंट की। आप ज़्यादा देखिए कि जिन युवाओं के पास टैलेंट है वो बेरोजगार नहीं है। आप सबसे बड़ी बात है कि हमारी जनसंख्या भी बहुत बड़ी है, इसको भी देखिए आज के समय में देखिए। अच्छा, आपके पिताजी कौन से पार्टी से? हमारे पिताजी किसी पार्टी से नहीं है, वो निष्पक्ष काम करते हैं। इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि मतलब लोगों को ये ना लगे कि हम निष्पक्ष बोलते हैं। देखिए, हमने क्या कहा, हमने लालू प्रसाद के बारे में बोला, हमने नीतीश कुमार को, लालू प्रसाद को भी हमने बुरा नहीं कहा, हम नीतीश कुमार को भी बुरा नहीं कह रहे हैं। देखिए, हमारे बदलाव होना चाहिए कि नहीं बिहार में? नहीं, देखिए बिहार में बदलाव होना चाहिए, बदलाव इसलिए भी नहीं होना चाहिए। देखिए, हम इसलिए कहेंगे कि देखिए, जो राजद का चेहरा है तेजस्वी प्रसाद यादव, वो नीतीश कुमार को, हम कहेंगे कि नीतीश कुमार का अनुभव को प्रेस कर देंगे, डिप्रेस कर देंगे, ये संभव नहीं है। कि पांच ऐसे कहते, अगर लालू प्रसाद मुख्यमंत्री बनते तो मैं कहता कि बदलाव चाहिए था। अभी अगर लालू प्रसाद नहीं है तो हमें लगता है कि अभी अगर फिलहाल अगर नीतीश कुमार बनते हैं दोबारा मुख्यमंत्री, तो बिहार के लिए अच्छा ही होगा। नीतीश कुमार का सोच जो है न्याय के साथ विकास, समावेशी विकास, हर क्षेत्र में उन्होंने विकास किया, हर वर्ग के लिए उन्होंने विकास किया है। जो आपने रोड की बात किया, रोड ही छोड़ दीजिए, शिक्षक, जो आप जॉब की बात करें बिहार से, तो मैं बता दूं कि अभी प्राथमिक शिक्षक नियोजन चल रहा है जिसमें 90,000 की वैकेंसी चल रही है। स्टेट का एग्जाम हुआ जिसमें 35,000 शिक्षकों का एग्जाम हुआ। इसके अलावा दुर्गा की वैकेंसी आ सकती है, 66 बीपीएससी की वैकेंसी आ चुकी है। इसके बाद 3500 के 4500 समथिंग का लेक्चरर की भारी आ चुकी है, अभी कल का नोटिफिकेशन है। इसके अलावा जो है कि पॉलिटेक्निक कॉलेज में प्रोफेसर की बहाली हो रही है, HOD की बहाली हो रही है, प्रिंसिपल की बहाली हो रही है। इसके बाद इंजीनियरिंग कॉलेज की प्रोफेसर की बहाली आ चुकी है। इसके अलावा फॉरेस्ट गार्ड की बहाली आ चुकी है, फॉरेस्टर की बहाली आ चुकी है। तो आप देखिए, जो कह रहे हैं अदर आप स्टेट से रिलेट करें बिहार को, तो मुझे नहीं लगता कि सरकारी क्षेत्र में बिहार सरकार का जो वैकेंसी कम आ रहा है। मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं, मैं किसी को भी कहता हूं कि बिहार सरकार, अभी देखिए मैंने सिर्फ 6 फॉर्म भरा हुआ है, फॉरेस्टर का भरा हुआ, बिहार फॉरेस्ट गार्ड का भी भरा हुआ, भले मैं बीटेक का विद्यार्थी हूँ तो क्या हुआ, लेक्चर का भरा हुआ है, शिक्षक STT में दिया, कंप्यूटर साइंस से हमने दिया, ये 4 हो गया, दरोगा का फॉर्म भरा हुआ है, BPSC का फॉर्म भरा हुआ है मैंने। तो कहने का मतलब है कि हमने खुद देख रहे हैं कि बिहार में जो है नीतीश कुमार जो हैं उनका, देखिए लोग कहता है कि भी चुनाव आया है जब निकाल रहे हैं, लेकिन पहले भी देखा कि बिहार पुलिस का
ये तीसरा टर्म वैकेंसी निकला बिहार पुलिस का। सवाल ये है, तीसरा वैकेंसी निकला। सवाल मेरा ये है कि आप वैकेंसी की बात कर रहे हैं, पांच ऐसे काम बताइए जो कि नीतीश कुमार ने अच्छा किया है, उसके चलते उनको बदलना नहीं चाहिए। देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने अच्छा काम किया है। उन्होंने जो बिजली था, हर घर बिजली का काम उन्होंने किया। सात निश्चय योजना उनका देख लीजिए। एक देखिए, पहले जो क्रेडिट स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड है, जो गरीब नहीं पढ़ सकता था उसके लिए उन्होंने काम किया है। हर घर नल का जल, देखिए हर गली पक्की गली। हमारे फादर जो है 12 वार्ड है सिवान का, ग्राम पंचायत राज सेमरा, राम प्रवेश रजक। आप सर्च कर लीजिए, 12 वार्ड में से 11 में जा रहा है नल का जल। एक वार्ड है जो है पीएचईडी डिपार्टमेंट में चला गया है, क्योंकि वहां के वार्ड और सचिव में कॉम्बिनेशन नहीं बना था। आप राम प्रवेश रजक अगर फेसबुक सर्च पे मारिएगा तो आ जाएगा उनका सारा डिटेल। वहां के जो है जदयू के विधायक रमेश सिंह कुशवाहा, और वहाँ के प्रखंड प्रमुख हैं कमला सिंह हैं, वो राजद की हैं। तो वो राजद की हैं, वो भी हमारे कहनाती हैं। कविता सिंह भी, वो भी आती हैं। पूर्व जो सांसद थे ओम प्रकाश यादव, वो भी हमारे कहनाते थे। तो हम लोग इसलिए बोले किसी पार्टी से नहीं है, क्योंकि हमारा जो पंचायत का विकास है पूरा, उन्होंने रोड बनवाया हुआ है 15वां बीच से, 14वां बीच से, 6ठम बीच से। और जो वार्ड के साथ उनका कॉम्बिनेशन है, कि ये नहीं है कि हमको कमीशन दीजिएगा तो काम देंगे, जैसे सुनने में आता है, चाहे हम काम कराएंगे। जो निर्देश था कि नहीं, वार्ड को पैसा दे देना है, हर नल का जल उन्होंने पैसा दे दिया। अब जो पीसीसी काम जो है कि वार्ड करा रहा है, देखिए जो इन्होंने नीतीश कुमार ने जो ग्रामीण स्तर पर जो जीविका आप देख लीजिए, रोड वाला तो आप देख ही रहे, शिक्षा वाला हमने बताया ही आपको, इंफ्रास्ट्रक्चर जो इनका है बिजली वाला, देखिए बिजली गांव में पहुंच रहा है, नल का जल पहुंच रहा है। इनका एक चीज नहीं है कि इन्होंने एक क्षेत्र में अच्छा काम किया, इन्होंने हर क्षेत्र में अच्छा काम किया है। देखिए SC ST उद्यमी योजना आप देख लीजिए, वो OBC के लिए भी लागू है। UPSC में 1,00,000 इन्होंने देते हैं SC ST के लिए, और भी वर्ग के लिए देते हैं। BPSC पास के लिए 50,000 रुपये इन्होंने देते हैं। योजना कहिएगा तो बिहार सरकार का, केंद्र सरकार का, हम सारा बता देंगे A to Z। मेरा रिवीजन नहीं है अभी, लेकिन हम सब बोल देंगे कौन योजना बिहार में कौन लागू। मतलब एक पढ़ा लिखा मंत्री परिवहन योजना देख लीजिए, जो कि ग्रामीण को शहर से कनेक्ट करना है। ऑप्टिकल फाइबर जो लगा रहा है केंद्र सरकार भी देख लीजिए, जो ग्राम पंचायत का, जो ग्राम पंचायत है उसमें ग्राम पंचायत भवन का जो विकास हो उसको भी उस इंटरनेट से कनेक्ट कर रहे हैं। अच्छा, जाति आवास निवास जो बनता था प्रखंड स्तर, उसको लेकर चले हैं, ग्राम पंचायत स्तर पर लेकर चले हैं। तो देखिए, जो न्याय का साथ विकास है, कि माने जीरो टॉलरेंस नीति का मतलब इनका ये है कि 100 आदमी गलत करता है तो उसको सजा हम तो देंगे ही, लेकिन एक निर्दोष जो है, अगर निर्दोष माने कोई अच्छा व्यक्ति जिसको फंसाया जा रहा है, तो उसको फंसाते भी नहीं है। अच्छा, एक सवाल ये भी है कि तेजस्वी यादव क्यों पसंद नहीं, क्यों मतलब कैंडिडेट नहीं है मुख्यमंत्री लायक क्यों नहीं? नहीं नहीं, देखिए हम नहीं कह रहे कि तेजस्वी यादव पसंद नहीं है लोगों का। आप जाने बहुत मास कम्युनिकेशन है तेजस्वी यादव के पास, मुस्लिम का मास कम्युनिकेशन देख लीजिए, यादव का मास, दलित भी उनके साथ है। लालू प्रसाद एक चेहरा है बिहार में, लेकिन अभी वो है नहीं। और वो रहते और ये चुनाव होता तब आप देखते NDA और जो जदयू का और राजद से जो महागठबंधन है उसका टक्कर तब आपको देखने को मिलता, जब आदि इसको हर कोई स्वीकार करता है। लेकिन नीतीश कुमार का जो है, देखिए नीतीश कुमार के पार्टी में कोई परिवारवाद नहीं है। नीतीश कुमार का पार्टी जो, उनका सोच बहुत निष्पक्ष है। जो NDA का, देखिए जिससे हमारा केंद्र सरकार में नरेंद्र मोदी जी का सरकार है, वो एक इंडिविजुअल NDA में भाजपा में नहीं है कि नरेंद्र मोदी ही अगला प्रधानमंत्री होंगे, अमित शाह ही अध्यक्ष उसका होंगे, ये एक नहीं है। ये चीज परिवारवाद, परिवारवाद वहां नहीं है, महागठबंधन में परिवारवाद। देखिए तेजस्वी जो है उभरता हुआ नेता है, और आने वाले समय में वो बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। नीतीश कुमार को वो अभी दाबना मुश्किल है, अभी दाबना, हाँ तेजस्वी के लिए अभी दाबना मुश्किल है नीतीश कुमार के, क्योंकि नीतीश कुमार को वही का हमको लगता है भाजपा को भी दाबना मुश्किल है नीतीश कुमार को। आइए जानते हैं नीतीश कुमार के साथ जहाँ वो खड़ा रहते हैं बिहार में अभी के समय में सरकार वहीं बनती है, क्योंकि उनका जो स्वच्छ सोच है। अब देखिए भ्रष्टाचार का एक भी उनका पास देखिए आता है, जो शेल्टर होम घटना है, सृजन घोटाला जो है, ये सारे आरोप नीतीश कुमार पे लगते हैं। देखिए नीतीश कुमार में कमियां हैं कुछ, बहुत सारी कमियां, जैसे उनको कुर्सी कुमार भी कहा जाता है, तो उन्होंने तोड़ दिया जो एक्सप्लेनेशन 2016 में जो उन्होंने महागठबंधन चलाया जो सरकार जी, तो कहना चाहिए थे उस टर्म पूरा करना चाहिए था राजद के साथ में, वहां भी उनकी कुछ गलतियां है। अब एक चीज जरा बता देते हैं आपको हम, जो उनके हमारे पास कितना है, 243 सीट है विधानसभा की, 40 हमारे लोकसभा है, 16 राज्यसभा की सीटें हैं बिहार में। आप देख लीजिए उन्होंने जो आरोप लगाया तेजस्वी पर कि आपके पास जो रेल का, जो जब रेल में मंत्री थे लालू प्रसाद यादव, तब का आपका भूमि को लेकर जो तेजस्वी पर नाम था उसमें, तो आप एक्सप्लेन कर दीजिए जनता को। लेकिन हम कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के पार्टी में आज भी जो विधायक है उन पर भी अपराध है, तो नीतीश कुमार यहाँ जो गलत है,
जो 5 साल की सरकार थी उसको रन करना चाहिए था राजद के साथ में। वो कह रहा था कि गरीबों का फोन आने लगा निचले स्तर से, लालू प्रसाद का फोन जाने लगा निचले स्तर पर। ये जो शिकायतें हैं इस आधार पर जो उन्होंने पार्टी को जो जिस अंदाज में छोड़ा था वो थोड़ा उचित नहीं लगा। अभी कितना सही है बीजेपी का साथ रहना और एलजेपी अभी चिराग पासवान थोड़ा डगमगा रहे। देखिए देखिए रामविलास पासवान के, देखिए हम श्याम रजक हैं, हम भी SC ST आते हैं, रामविलास पासवान भी SC ST से हैं, लेकिन रामविलास पासवान को मौसम वैज्ञानिक कहा जाता है उनको। माने देखिए वो जो जा रहे हैं ना, लगता है कुदरी सरकार बनने वाली है रामविलास पासवान को। तो चिराग पासवान क्या लगता है? नहीं देखिए चिराग पासवान बहुत अच्छा बोलते हैं और बहुत अच्छा उनका भी सीएम मटेरियल है। मैंने अभी देखिए अभी तो हम तेजस्वी को ही देख ले सीएम मटेरियल, जितना मास कम्युनिकेशन तेजस्वी के पास है उतना चिराग पासवान के पास मास नहीं है, जो मास अभी तेजस्वी के पास है। फिर भी तेजस्वी टक्कर जब नहीं दे पाएंगे तो वो कैसे दे पाएंगे। तो हमारे कहने के बाद जब तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है किसी के लिए टक्कर देना मुश्किल है बिहार में। अब वो संन्यास ले ले, नहीं तो आपको एक पुख्ता सबूत। देखिए अनुभव बड़ी चीज होती है, सचिन तेंदुलकर को कहा जाता है कि अनुभवी खिलाड़ी है, महेंद्र सिंह धोनी है कप्तान बहुत अच्छे खिलाड़ी, तो बल्ले की बात कहा जाएगा तो टेक्निकली हम किसका रिपीट करते हैं, विराट कोहली का सचिन से करते हैं, ब्रायन लारा ये सब की, लेकिन जब कप्तान की बात आती है तो धोनी की बात हम लोग करते हैं। एक चीज अभी हुआ है गुप्तेश्वर पांडे जी का प्रकरण सुने, देखिए जो रिटायरमेंट लिए हैं वायरस लिए हैं वो जो बक्सर से उनका चुनाव लड़ने, देखिए वो अब उनका निजी फैसला है, उनका वायरस लेना उनका बक्सर से चुनाव लड़ना इतना उचित है? देखिए बहुत अच्छा है, अगर अच्छे लोग राजनीति पढ़े लिखे लोग राजनीति में आएंगे तो बहुत अच्छा फैसला है, स्वागत करना चाहिए, वो लड़े भी चुनाव। हम तो कहते हैं कि पढ़े लिखे लोग अगर राजनीति में आएंगे, देखिए आप जरा सोचिए जो लोकसभा है विधानसभा है यही कानून बनाते हैं, यही आर्टिकल को जोड़ते हैं, यही संशोधन करते हैं, तो यहाँ पढ़े लिखे लोग जाएंगे तो हमारा देश तो तरक्की करेगा ना कहीं सर, ये भी तो सोचना है। तो पढ़े लिखे लोग जब आएगा राजनीति में तो बहुत फायदा करेगा ना काम, हमको लगता है जहाँ तक उचित लगता है। तो देखिए हमारा मानना है कि बिहार में जो है अभी हमको जो लगता बहुत सारे लोग बोल रहे हैं गुप्तेश्वर पांडे मुख्यमंत्री के रोल में भी आ सकते हैं। ना देखिए बोलने वाला बहुत लोग बोलता है, देखिए ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना, बोलने वाला बहुत कुछ बोलता है, हम आपको एक ही बात बोल दिए, नीतीश कुमार जो अच्छा, नीतीश कुमार को रिप्लेस कर सकता है, नीतीश कुमार को अभी रिप्लेस कर सकता चौधरी ना सुषमप्रिया चौधरी, देखिए अभी नया नाम है पप्पू यादव बहुत अच्छा नेता है, उन्होंने जिस तरह से बाढ़ में मदद किया लोगों का पटना में, चाहे अभी जो आपका कोरोना में भी मदद किया, अच्छा है। लेकिन नीतीश कुमार को रिप्लेस करने का जहां तक सवाल है, आने वाले समय में रिप्लेस कोई करेगा तेजस्वी यादव कर सकते, और कोई नहीं, चिराग पासवान लाइन में रहेंगे। कन्हैया है बहुत अच्छा नेता है, लेकिन तेजस्वी कर सकते हैं उनको रिप्लेस, लेकिन नीतीश कुमार से हम उनके काम से सहमत हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया बात किया, बहुत बहुत शुक्रिया आप। धन्यवाद आप। तो देखिए तस्वीरों में किस तरीके से युवा जोश जो कि बीटेक किए हुए हैं सिविल सीएस है ना कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग जो है इनका है, और जिस तरीके से इन्होंने बीटेक करने के बाद अभी बीपीएससी का प्री भी इन्होंने निकाला था और अभी तैयारी कर रहे हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं और एजुकेटेड है, पढ़े लिखे हैं। तो हमने चाहा कि आज एक ऐसे युवा से बात करें जो युवा एक नई सोच रखता हो, जो युवा एक डेवलपमेंट की बात करता हो, वो युवा जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करे, वो युवा जो कि नीतीश कुमार का क्या विकास था इसकी चर्चा इन्होंने की है। तो कितने सहमत हैं आप? साथ ही साथ तेजस्वी यादव के बारे में जब हमने पूछा और कई सारे और नेताओं के बारे में पूछा, टैलेंट सब में है लेकिन इन्होंने एग्जाम्पल भी दे दिया ब्रेन लारा और सचिन तेंदुलकर और कई सारे प्लेयर का कि क्या हो सकता है और किस तरीके से फिट बैठ सकता है बिहार की राजनीति में, नीतीश कुमार किस तरीके से फिट बैठ सकते हैं। आशा एक भारत के लिए, मैं रैना सिंह सहयोगी टुना कुमार के साथ, खबर यहीं तक, आपका प्यार समर्थन लगातार मिल रहा है इसके लिए आप सभी का शुक्रिया धन्यवाद। आपका अपना आशा एक भारत को सब्सक्राइब करिए भैया और साथ ही साथ बेल बटन दबाना ना भूले, क्योंकि बेल बटन दबाइएगा तभी तो खबर फटाफट पाइएगा।